ये भी अपना दोस्त बन जाएगा। और बैल बहुत स्लो चल रहे हैं। कैसी छोटी सी ककड़ी मिली हुई हमें, बैलों का नाम क्या रखा जाए। नमस्ते दगड़ियों, मेरा नाम है सचिन कठैत और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज पहाड़ों में बढ़िया सी धूप लगी हुई है और ठंड काफी बढ़ चुकी है। अभी मैं रनिंग करने से आ रहा हूँ तो काफी ठंड लग रही है अभी, और देख सकते हैं आप हाथ ऐसे हो गए हैं आजकल सूखे सूखे से, और हाथ ऐसे हो जाते हैं आजकल ठंडियों की बारियों में तो खुलते ही नहीं है, मतलब उंगली सीधी होती ही नहीं है, तो इतनी ज़्यादा ठंड लग जाती है आजकल। और अभी घर जाऊंगा और उसके बाद खेत में जाऊंगा हल लगाने के लिए, और बने रहिए वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यार ये है मत्तू, और मत्तू स्कूल जाने के लिए अभी तैयार हो रहा है। तो मत्तू कैसा लग रहा है आज स्कूल जाने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज दो तीन दिन बाद स्कूल जा रहा है मत्तू, तो इसलिए आज मत्तू खुश तो नहीं लग रहा है मुझे। और अभी मत्तू रोटी खाने की तैयारी कर रहा है, तो मत्तू से मिलते हैं हम सीधे शाम को जब मत्तू स्कूल से घर आएगा। ठीक है, बाय। तो यार यहाँ पर है हमारे बैल, और जो पहले वाले बैल थे तो वो बेच दिए हमने, और ये नए वाले ला गए हैं अब, और अभी इनका नामकरण नहीं किया है हमने, देखते हैं इनका नाम क्या रखते हैं। तो ये लाल कलर का है, पहले वाला भी हमारा एक लाल था और एक काला था, तो उनका नाम था लालू और कालू, लेकिन इनका नाम हम थोड़ा अलग रखेंगे। तो देख सकते हैं काला है और यह है लाल। अब ये मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि इतना घुला मिला नहीं है हमारे साथ ये, क्योंकि इसको अभी दो चार दिन ही हुए हैं, तो अभी इतना ज़्यादा घुला मिला नहीं है हमारे साथ ये, और जैसे ही घुल मिल जाएगा तो ये भी अपना दोस्त बन जाएगा। और अब बैल जा रहे हैं हल लगाने के लिए। चल हाय हाय। तो जो ये वाला खेत है, इस वाले खेत में हम हल लगाएंगे अभी। तो बैल भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और ये मिर्च के पौधे हैं तो इनको उखाड़ रहे हैं अभी, ताकि हल लगाया जा सके। देख सकते हैं काफी बड़ा खेत है ये, तो काफी टाइम लगने वाला है इस खेत को हल लगाने में। तो अभी आधा हल तो लग चुका है इस खेत का, और बैल बहुत स्लो चल रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा आराम से ले जा रहा हूं इन्हें। हाय चल, और कमांड देते हैं बैलों को, चलिए हाय ऊपर चल हाय। और जैसे ही बैल किनारे पर पहुंचे तो इसको हल को उठाया और बोल दिया, बोर जा बेटा, बोर जा बेटा, बोर जा, चल हाय, चल चल बेटा, चल बेटा, शाबाश शाबाश। तो ये देख सकते हैं ऐसे कमांड दी जाती है बैलों को, चल चल बेटा, शाबाश शाबाश। तो पूरे खेत में हल लग चुका है, और हल लगाने के बाद अभी खेत को सपाट किया जाएगा जोल की सहायता से। जोल मतलब हल की तरह होता है, लेकिन उसके नीचे से एक फट्टा तरह का होता है, तो उससे इस खेत को अभी सपाट किया जाएगा। तो ये रहा जोल, तो इसको अभी लगाएंगे और इस खेत को सपाट किया जाएगा, जैसे यहाँ पर हो चुका है बीच बीच में, तो अब खेत को सपाट किया जाएगा। चले। तो ये वाला खेत पूरा हल लग चुका है, और ये पूरा देख सकते हैं यहाँ सपाट हो चुका है, ये रचित है, और जोल से यानी कि इस यंत्र से हमने इसे सपाट कर दिया है। और अब नीचे वाला खेत लगाएंगे, तो देख सकते हैं कैसा बढ़िया सा हो चुका है खेत, जैसे कि मैदान होगा। तो अभी हम दूसरे खेत में आ चुके हैं, और ये छोटा सा खेत है तो ये काफ़ी जल्दी लग जाएगा। अभी यहाँ पर ककड़ी का छोटा सा पौधा था, तो उस पर देख सकते हैं कैसी छोटी सी ककड़ी मिली हुई हमें, तो इसको खाते हैं। एक तो रचित ने खा लिया है, एक मैं खाता हूँ इस छोटी सी ककड़ी को, देखते हैं कैसी हो रही है। ठीक ठाक ही हो रही है, इतनी अच्छी भी नहीं हो रही है, क्योंकि लास्ट की ककड़ी है तो इतनी अच्छी भी नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारा हल लग रहा है, और वहाँ सामने पर देख सकते हैं दादी घास लेके आ चुकी हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है लगभग 12 बज चुके हैं, तो दादी भी घास लेके आ चुकी हैं और अब घर जा रही हैं वहाँ से। तो ये रास्ता है, यहाँ से हम आए थे उस टाइम सुबह को, इस रास्ते से दादी अभी यहीं से जा रही है घर। और रचित एक दूसरी ककड़ी ला चुका है, ये नीमी खोंदा है, तो इसको खाते हैं फिर से, दूसरी ककड़ी है ये।
तो जो ये वाला खेत है तो ये लास्ट खेत है, इसको लगाने के बाद हम घर चले जाएंगे और खाना खाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। काफ़ी टाइम में नहीं, लेकिन आज लगभग 12 बज रहे हैं और कल तो हम लगभग 2 बजे घर आए थे, तो ये लगभग 12:40 तक लग जाएगा ये खेत। तो यार अभी शाम हो चुकी है और हल्लगाके हम दिन में घर आ चुके थे, लेकिन घर के ऊपर में एक खेत बचा हुआ था तो उसमें अभी हल लगा रहे हैं। और बैल अभी हम खेत में ला चुके हैं, लेकिन अभी हमने हल लगाना शुरू नहीं किया है, तो उसमें अभी हल लगाएंगे और उसके बाद फिर कल हल लगाएंगे दूसरे खेतों में। तो अभी ये वाला खेत लगाएंगे, ये पीछे जो खेत आपको दिख रहा है, तो इस वाले खेत में अभी हल लगेगा। और अभी मत्तू हल लगा रहा है, तो मत्तू की छुट्टी हो चुकी है, तो इसलिए अभी मत्तू भी है हल लगाने में। सुबह को तो स्कूल जा रखा था और मैंने ही पूरा हल लगाया, लेकिन अभी मत्तू भी हल लगा रहा है। और इनके नामकरण हो चुके हैं, तो इनका नाम हम अगली वीडियो में बताएंगे कि इसका नाम और इसका नाम क्या है रखा है हमने। और आप भी कमेंट कर सकते हैं कि इन दोनों बैलों का नाम क्या रखा जाए। अभी सोच सकते हैं आप, हीरा मोती, राम श्याम, इस प्रकार से दो नाम जरूर से रखें इनके। और अगर आप कमेंट में कोई मस्त सा नाम बता देंगे अगर इन दोनों बैलों का, तो मज़ा आ जाएगा। और आपका नाम लेके ये बताएंगे कि आपने ये नाम सजेस्ट किया था। तो ये दोनों बैल आपको दिख रहे हैं, तो इनके नाम आपको बताने हैं क्या रखा जाए इनका नाम। तो यार अभी हल लग चुका है पूरा, और यहाँ पर है हमारे बैल और ये है मत्तू। हेलो। तो हल लगने के बाद अभी हम बैलों को खोल देंगे और उसके बाद इनको ले जाएंगे घर, और ये पूरी रात बैल आज आराम करेंगे और उसके बाद फिर कल सुबह हल लगाएंगे। तो कुछ ये बात है। और अभी रात भी पड़ने वाली है, क्योंकि पीछे आप मौसम देख सकते हैं, तो रात पड़ने वाली है अभी।